और गप्पा तो थे अंदर हिंदी बड़की ये जड़ी ना ये बड़ी मायर है ए आई दे कितने आग थेगी ने साढ़ी पांच सात ते बच गाने तैयार गुजारा पांच चार आंदा अच्छा लवरी ने सहायता ना किए किए मतलब क्या क्या बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि पहाड़ों वाले लोग ना खासकर बर्फ वाले दिनों में कैसे रहते होंगे और वो क्या खाते होंगे जब सब्जियां नहीं रहती हैं खाने के लिए, तो वो किस तरह से जीवन यापन करते होंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत टफ होती हैं, तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर फादुआ, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि भाई जब बर्फ़ गिर जाती है तो लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और क्या क्या सब्जियां खाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं हम। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों बता दूँ, आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कितने आगे थे गिने गाने तैयार गुजारा पानी चार आंदा अच्छा लवरी ने सहायता ना किए किए मतलब क्या क्या और अंदर ठेरा किए किए छोड़ दिया क्या किए किए हो कांदे फिर किए किए बनंदे जरा वो कहानी तो फिर पहले छुल्ली लेनी फिर ने पानी छुल्ली लेनी फिर ठीकणी है फिर ठीकणी आ फिर रिनणी आ फिर खाणी आ की कोई हो कहानी नहीं है जानवर चढ़ी लगता केदे केदे फोटो हुई और अपने जेते आ मन मन बराबर है रे पिछले साल कितना के ना ना तो से अपने चेते थोड़ी ज्यादा कितना के रे वो कसम पिछले साल कोई 4 फुट दिक्कत 4 फुट दिक्कत है रे ए ना दिन ने वो आगरा पे एक दल्ली बांध दे ए तो बड़ी तेज ने केले हुंदी इतनी होंद राती गोर को सो छड़ने गोर गोर सो आया पड़या सिंगर छड़ दिया है ना गोर को सिंगर खेती गाय ने दो गाय ना अब बच्चा अच्छा अब बच्चा छड़ दिया तो आ बड़े घर लगे मन रहने में होता था चली जाओ प्रो बह लिया बह लिया क्या कमाना उपरे वह ना इन दिनों के ना फुल लतन दिनों के उन्हें फुल लतन के फोन ना ना बंद कर दी फोन के पानी उन्दा दे दिया ने बंद मुंह कैसा कर दी बेगा था जी ना होल में करना ये पहले इसका छिलका उतारा जाता है ऐसे छिलका उतार के फिर इसको ऐसे इस तरह से तैयार किया जाता है इसको छिला जाता है ठेगना लग रहे थे गंडोले और ये इतने पहाड़ों के घर तो गाइस ये हो रही है बर्फ वाले दिनों की तैयारियां ये है गंडोली गंडोली छली नहीं
तिल्ली होता है बड़की का। ये है बड़की जी। ओ मेरे बोर्ड का शुभ मम्मी मिलो लेना फोटो। मम्मी का दूसरा बड़ा ख्याल ना होगा क्या? वाह वाह मेरे बल्लू आजा जलाने मुझे ना वो बल्लू जलाने का खाड़े ना। वीडियो लोरे बनना वीडियो। तो ये है दोस्तों हमारा छोटा सा घर। और दोस्तों आप सभी जानते हैं जब हिमाचल की पहाड़ों की लेडीज एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो बातें फिर खत्म नहीं होती इनकी। तब तो दोस्तों जितना मर्जी काम हो ना फिर उनको काम भूल जाता है। और गप पाचो थे अंदर इन दी बड़की ए जड़ी ना ए बड़ी माहिर है। ए आइंदे सबने चोरे गप चत्तन जनाने ये गंडोली तैयार हो रही है बर्फ वाले दिनों के लिए। आप पता नहीं क्या बोलते हैं गंडोली को। और ये जो है तिल्लियाँ तिल्ली इसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं। ये जो होता है गंडोली का बीज होता है ये गंडोली। और आ साफ तो गंडोली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा और सुंदर सा वातावरण यहाँ पे किस तरह से हम सब्जियाँ अपने लिए स्टॉक तैयार करके रखते हैं। और यह है पहाड़ों की छत। इसी छत के ऊपर इसको सुखाने डाल दिया जाएगा गंडोली को कद्दूकस करके। हाँ बोलते हैं थेगना। तो कहीं ना कहीं मैं अपने गद्दी वर्ड भी आपके बीच में ट्रांसलेट करता रहता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है। और ये है मेरे नीचे का गाँव का नज़ारा। ये सब गांव पड़ गया और इस साइड एक और गांव है वो आप देख सकते हैं ये नज़ारा। और इसके ऊपर भी आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ जो है पहाड़ ही पहाड़ और बीच में हमारा छोटा सा गांव। तो चलिए चलते हैं कैसा रहता है आज का व्लॉग। तो ठहर के बढ़ना दे। तो ये हैं चाचा जी कर गई चाची किन्नी है तृप्ता। अच्छा आऊं मैं चलो बोल रहा टॉप रोलर नहीं है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या चीज़ें हम पहाड़ों में खाने के लिए रखते हैं जब बर्फ़ वाले दिन होते हैं। तो एक तो आपको गंडोली मैंने दिखाई कद्दूकस करके उसको रख लेते हैं। फिर आप टमाटर भी मैंने आपको दिखाए। फिर आलू होते हैं आलू की ना बड़िया बना के रख लेते हैं उनको भी सुखा के रख लेते हैं। और खास बात यह है कि अगर किसी के पास मैंने मुझे एक भाई की कॉल आई थी कि भाई आप ना बोला बकरियों को मार के रख लेते हैं या टांग के रख लेते हैं उनको खाते हैं बर्फ वाले दिनों में। ऐसा नहीं है भाई लोग हम भी इंसान हैं। हाँ ऐसा ज़रूर है कि अगर कोई भेड़ या बकरी जब मर जाती है तो उसको जब बर्फ़ वाले दिनों में तो भाई जिनके पास ज़्यादा बकरी होती है ज़्यादा भेड़ें होती हैं वो तो बर्फ़ वाले दिनों में रहती हैं। जिनके पास काम होती हैं वो ना
बर्फ़ वाले दिनों में यहीं रहते पहाड़ों में, और फिर क्या होता है कि जब बर्फ़ वाले दिनों में ऐसे ऐसा कंडीशन आ जाती है तो उसको ज़्यादा अगर खाने वाला ना हो कोई व्यक्ति तो उसको चीर के रख लिया जाता है, मीट को काट के रख लिया जाता है और सुखा के रख लिया जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े इन टाइम आगे बर्फ़ वाले दिनों में मीट भी कम मिलता है तो उस तरह से उसको सुखा के रख लिया जाता है। उसको बोलते दृढ़ी पालना, उसको चीर के रख लिया जाता है ताकि सुखा के फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी हम उसको खा सकते हैं। तो ऐसी बात है भाई। और भी बहुत सब्जियां होती हैं, इसको बोलते हैं राजमा की फलियां होती हैं, उसको भी चीर करके सुखा करके कूट करके रख लिया जाता है। और इसको बोलते हैं एक लुंगड़ होती है, लुंगड़ सब्जी, उसको भी सुखा के रख लिया जाता है कूट के। मतलब तमाम सारी बहुत ऐसी ऐसी सब्जियां होती हैं जो हम कूट के रख लेते हैं और बर्फ़ वाले दिनों में खासकर खाने के काम आती हैं वो, जब सब्जियाँ नहीं रहती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या खाते हैं। कई लोगों के मन में बहुत सारा विचार होता है कि वैसे तो अगर ना हो तो आलू और दाल के सिवा कोई सब्जी मिलती भी नहीं है पहाड़ों में, फिर खासकर उन्हीं महीनों में जब बर्फ़ गिरी होती है तो आने जाने के साथ में बिल्कुल कंट्रोल होते हैं कि मतलब सुविधा नहीं होती क्योंकि बर्फ़ गिर जाती है कुछ दिनों के लिए। लकड़ियाँ स्टोक करके इकट्ठा करके रख लिया जाता है, लकड़ियों का स्टॉक हो गया, खाने पीने की चीज़ें होगी, दाल सब्जी होगी, सब जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको रख लिया जाता है। और दाल जो होती है उसको पीस के, जिसको बोलते हैं हम दरड़ना, जब पीस किस चीज़ को हम पीसते हैं उसको बोलते हैं दरड़ना, दरड़ के उसको चक्की के हैं अलग अलग दहना, चक्की के थ्रू ना एक हैंड चक्की होती है, हैंडमेड भी होती है और हमारे घर के घरेलू कामों के लिए छोटे मोटे चीज़ों पीसने के लिए वो घरेलू चक्की हम यूज़ करते हैं, वो चक्की भी हम आपको दिखाते हैं। वो चक्की के द्वारा ना दोस्तों हम पीस के रख लेते हैं, मतलब दरड़ के दाल जो होगी उसको दब दरड़ते हैं नीचे चक्की के द्वारा, जो हैंडमेड जो होती है हैंड के द्वारा। तो उसको आजकल तो वैसे मशीनें चली हैं लेकिन हम छोटे मोटे काम ना इस पैड़ी के नीचे हैं, सॉरी लैडर के नीचे, सीढ़ी के नीचे एक चक्की छोटी सी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके द्वारा ना हम रख लेते हैं पीस के। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये तमाम सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पहाड़ों में ना आम बात है। तो आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं ना चक्की का किस तरह से ये रहता है। यहाँ पे व्यक्ति बैठ जाता है और ऐसे इसके नीचे ना कुछ भी अगर डालो तो इसको साफ कर लिया जाता है। पहले यहाँ पे ना इसको झाड़ू के द्वारा, किसी छोटे झाड़ू के द्वारा इसको साफ किया जाता है और इसका इसको देख सकते हैं आप कितना पतला हो चुका है, घुमा घुमा के इसको इस चक्की के अंदर ही फिट किया हुआ दोस्तों। इतना हमारे बुजुर्गों की किस तरह से खोजे हैं कि बल्कि इसको खाली घुमाया नहीं जाता है, मैंने इसको दिखाने के लिए डेमो दिया ही। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे पहाड़ों में। ये थी आज की वीडियो, तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करें लाइक कमेंट और शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्द, तो आइए सोते हैं।